मेरा नाम रविराज है, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमए पीआईएसएम का स्टूडेंट हूँ। मैंने इस साल यूजीसी नेट में 99.50 के साथ जेआरएफ क्रैक किया है और मैंने ये जो अपना किया है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। मैंने जितने भी पहले से यूजीसी नेट के जो हमारे सीनियर थे उनसे मैंने गाइडेंस लिया और सारा कुछ उसी के हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मैंने। मैं अपना जो बैचलर मैंने मेरा था जो वो कॉमर्स में था और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बैचलर किया था। तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस के लिए था, तो मैंने जो जितने भी पढ़ाई मैंने स्टार्ट की जो लास्ट कोविड का पीरियड था उसमें मैंने स्टार्ट की थी पढ़ना। तो कोविड के समय मैंने पॉलिटिकल साइंस के बेसिक्स स्टार्ट किए पढ़ते पढ़ते। मेरा थोड़ा ज़्यादा आईआर का इंटरेस्ट ज़्यादा था क्योंकि जेएनयू में हमारे आईआर के पेपर ज़्यादा होते हैं, तो आईआर को मैंने अपना प्रेफरेंस भी रखा था कि मैं आईआर में एडमिशन लेना चाह रहा। इससे मैंने अपना धीरे धीरे जो बेसिक था वो सारा स्ट्रांग होते गया और मैं 2021 में ही दिसंबर के वर्ष में जेएनयू में एडमिट हो गया। फिर उसके बाद हमें हमारे सीनियर के जितने भी थे उसी समय यूजीसी नेट के रिजल्ट आए थे जेआरएफ के, तो सभी का ये था कि सभी के जेआरएफ जितने भी मेरे सीनियर थे उसमें से 5-10 लोग के जेआरएफ हुए थे। तो ऐसा इंस्पिरेशन भी था कि सीनियर के हो रहे हैं तो वी हैव अ गुड चांस टू क्रैक द जेआरएफ दिस टाइम। तो हमने सारा कुछ अपना जो प्लान स्ट्रेटजी अपने सीनियर से पूछा क्योंकि ये एक नया फील्ड था मेरे लिए। मैंने मतलब मैं कॉमर्स से था ना और अचानक पॉलिटिकल साइंस शिफ्ट होने के बाद तुरंत इंट्रेंस के बाद ये सारा कुछ प्लान करना एक टफ लग रहा था कि जेआरएफ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नेट हो जाते हैं, नेट हमारे जेएनयू से बहुत ही बच्चे को हर साल होते हैं लेकिन जेआरएफ होना थोड़ा टफ होता है। तो हमने जेआरएफ पे थोड़ा फोकस्ड किया कि जेआरएफ क्लियर कैसे करना है। तो धीरे धीरे हमने अपने सीनियर से जितना है सारा कुछ स्ट्रेटजी देखा, सीनियर के स्ट्रेटजी को फॉलो किया और फिर पता चला कि यूजीसी नेट जो है ना वो साल में 2 पेपर कंडक्ट करती है, बट 2 साल से लगातार यूजीसी नेट पेपर अपना मर्ज कर रही है, तो सीट भी ज़्यादा आ रहे थे और लेकिन अप्लीकेंट के नंबर भी बढ़ रहे थे। तो इस साल हमने सोचा कि हम लोग इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करेंगे और अप्रैल तक हमारे नोटिफिकेशन आ गए थे और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया था अप्रैल तक। तो वी हैव गॉट अ चांस कि ये अब हमारा सेमेस्टर अगले मंथ स्टार्ट होगा, तो 1.5 महीने का अच्छा सा हमारा गैप था। तो हमने स्टार्ट किया धीरे धीरे प्रिपरेशन करना, हम थे हमारे कुछ दोस्त थे, हमने सारा साथ में ही किया जो भी किया मैंने हमने और मेरे जो 2-3 दोस्त थे जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे, तो हमने एक साथ डिसाइड किया कि हम ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर स्टार्ट करेंगे पढ़ना एक साथ। तो हमने पहले सारा पीवाईक्यू एनालाइज किया, जब हम एंट्रेंस देते थे जेएनयू के एंट्रेंस में उसमें भी पीवाईक्यू हमने कर रखे थे पहले से, तो उसी को हमने पहले एनालाइज किया कि पेपर कहाँ से आएगा क्या है। फिर हम लोग को सीनियर हमेशा बोलते हैं कि सिलेबस को फुल्ली फॉलो करना, सिलेबस में कहीं आप डाइवर्जन करेंगे तो आपका जो जितने भी वो हैं आप मतलब एक तरह से सब्जेक्टिव नॉलेज पे चले जाएंगे क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 3 घंटे का पेपर 150 क्वेश्चन के होते हैं और 300 मार्क्स के होते हैं, तो 50 मार्क्स जो हमारा होता है वो एकदम जो वो कॉन्टेक्स्ट का होता है जो एप्टीट्यूड रिसर्च मेथोलॉजी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हायर एजुकेशन टाइप्स के पेपर होते हैं और एक जो होता है हमारा बेसिक मेन पेपर होता है। तो मैंने जस्ट पहले स्टार्ट किया कि मैं अपना मेन पेपर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होकर स्ट्रॉन्ग करूँगा। तो हमने पहला जो शुरुआत मंथ में था वो मैंने पेपर टू जो अपना मेरा पॉलिटिकल साइंस मेन पेपर था उसको मैंने दिया। फिर मैं धीरे धीरे सारा कुछ पेपर वन की तरफ शिफ्ट करने लगा। तो पेपर वन में मुझे ये पता चला कि जो एक कुमार भरत है वो यूट्यूब चैनल है उनका, वो अपना लेक्चर करवाते हैं इस पेपर पे और उनका पीवाईक्यू अवेलेबल रहता है। तो हमने कुमार भरत का लेक्चर भी देखा और सारा कुछ एनालाइज किया कि ऐसे ऐसे वो उनका लेटेस्ट पीवाईक्यू है और वो जब हमारे सीनियर जितने भी थे वही फॉलो करते थे और केवीएस मदान को फॉलो करते थे। तो हम एक सभी जो जितने भी टॉपिक थे नेट में टोटल जो पेपर वन और पेपर टू में दोनों में 10-10 अलग करके यूनिट होते हैं, तो मैंने हर एक यूनिट के अलग अलग डिवीज़न किए हैं, हर एक को अलॉट किया कि कौन सा कंटेंट कहाँ पढ़ना है मुझे। तो मैंने हर एक जो जितने भी कंटेंट थे उसको अलग अलग डिवीज़न में अलॉट कर दिया कि ये कंटेंट मुझे यहाँ से पढ़ने हैं। एक एक कंटेंट को प्रॉपरली मैंने देखा कि ये हो सकता है उसमें, तो मैंने हर एक कंटेंट में जैसे मैंने रिसर्च मेथोलॉजी जो है केवीएस मदान से और कुमार भरत के वीडियो दोनों जगह से मैंने पढ़े थे। मैंने फिर पीवाईक्यू एनालाइज किए थे
रिसर्च मेथोलॉजी ऐसे करना है। तो पहले उसमें स्टार्ट ऐसे होता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होता है पेपर वन में आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड आप कुमार भारत से कर सकते हैं और थोड़ा सा बेसिक अगर PYQ पे कवर करें तो हो जाएगा। फिर आपका रिसर्च मेथोलॉजी स्टार्ट होता है। रिसर्च मेथोलॉजी जो है वो आप कवर कर सकते हैं एक कुमार भारत के PYQ से, कुमार भारत का जो लेक्चर है प्रॉपर वहाँ से देख सकते हैं। और जो जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट करना रहता है कि KVS मदान चाहे ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की एक बुक आती है हरप्रीत कौर की, तो वो दोनों को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा एकदम कि पूरा एनालाइज करके, ताकि मतलब रिसर्च मेथोलॉजी में बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि एकदम आपके लिए नए चीज़ होंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट जब PhD करना चाहता है तो आपको रिसर्च पार्ट जो है ना कि रिसर्च के किस मेथड्स को यूज़ करके आपको अपना PhD करना है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एवरीथिंग जितने भी सब कुछ है उसमें रिसर्च को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ता है। तो फिर टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, रिसर्च के बाद आता है थोड़ा कम्युनिकेशन का पार्ट। तो हमने कम्युनिकेशन कुमार भारत से ऊपर से अच्छे से जल्दी जल्दी में कर लिया। फिर कम्युनिकेशन के बाद हमारा आया ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मैंने वही कुमार भारत को फॉलो किया, थोड़ा सा KVS मदान में और हरप्रीत कौर में मैंने देखा। फिर आगे चलकर हमारा जो स्टार्ट हुआ जो ये है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक से कंसिस्ट होता है और थोड़ा वेस्टर्न लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक समझना थोड़ा आसान है बट इंडियन लॉजिक में थोड़ा कभी कभी फंसने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इंडियन लॉजिक में आप फंस जाएंगे, क्योंकि इंडियन लॉजिक आप कभी सुने ना होंगे। और क्योंकि एक पॉलिटिकल साइंस वाला बच्चा हिंदी बैकग्राउंड से होता नहीं है, बेसिकली नहीं होता है। मैं कॉमर्स से था, मेरा बैचलर बनारस यूनिवर्सिटी कॉमर्स में था, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था कि यार ये वेस्टर्न लॉजिक में होता क्या है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो एकदम आपके लिए अननोन होंगे। तो हमने कोशिश किया कि मैं उसे याद करूं, उसका PYQ रिवीजन करूं और अच्छे से उसके सारे को प्रैक्टिस करूं। तो मैंने इंडियन लॉजिक वहां से अच्छे से कवर किया, मैंने वीडियोस देखते था मैं कुमार भारत का और PYQ करता था उसके लिए। फिर इंडियन लॉजिक के बाद आपका जो पार्ट आता है उसमें एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, ये दोनों सबसे बायस्ड पार्ट है क्योंकि इनका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि ये सबसे ब्रॉड टॉपिक होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एकदम ये करना होगा, आप तो पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए कुमार भारत से, बाद में कि हाई और थोड़ा सा KVS मदान और हरप्रीत कौर दोनों को देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा पता हो मैकले कमेटी क्या होता है, वुड्स डिस्पैच एक्ट क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मेरे पेपर वन में अच्छे मार्क्स थे, इसके वजह से मेरा JRF होना बहुत आसान हो गया। तो मैं यही बोलूंगा कि पेपर वन आप मेनली फोकस्ड रखिए, पेपर वन के हर एक पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए। बाद बाकी मैं फिर पेपर टू को स्टार्ट किया। पेपर टू में ऐसा था कि हमारा थोड़ा 5 पार्ट्स पहले से कवर था, मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट था और यहाँ मैं इंटरनेशनल रिलेशन फर्स्ट ईयर में ही मैंने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे कवर कर रखे थे और इंट्रेंस समय भी हमें IR कवर रहता है। बट लेकिन अगर जो बेसिक है, जो स्टार्ट करना चाह रहे कि नहीं मैं IR भी कवर करूंगा अच्छे से, तो मैं उसको लिए सजेस्ट करूंगा कि EduSeeker का जो जितने भी कंटेंट आते हैं, EduSeeker एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, वो अपने कंटेंट फ्री में भी और पेड कंटेंट कुछ सप्लाई करते हैं सभी में, ये वो UGCNET पॉलिटिकल साइंस को फोकस्ड रख के। आप टेलीग्राम जितने भी जहां से आपको जो कंटेंट मिले आप पढ़िए, हाँ बट लेकिन है ना सिलेबस से डाइवर्जन ना होना चाहिए, एकदम सिलेबस को फुल्ली फोकस रख के कोर सिलेबस को थोड़ा डीप और जितने भी सैलो सिलेबस होंगे उसको ऊपर ऊपर से आपको कवर करना ही होगा और PYQ को एनालाइज करना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना जितने भी हैं पेपर टू के लिए जितने भी कोर सिलेबस है उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए और कोर सिलेबस को स्टार्ट कीजिए पॉलिटिकल थ्योरी से पढ़ना। पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़िए, पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा टाइम टेकिंग है, 15 दिन लग जाएंगे आपको। मैं वीडियोज़ देखता था और सुब्रमण्यम के नोट्स पढ़ता था, मैं वीडियोज़ का ऐसा था कि कहीं कहीं से वीडियोज़ का कंटेंट सारा बना रखा था। फिर मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए। तो वेस्टर्न और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने जो है EduSeeker के वीडियोज़ देखे और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को मैंने फुल्ली फोकस्ड EduSeeker पे ही कर दिया था कि उनके वीडियो से मैं देखता था। फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैं ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को Opikawa जो उनकी बुक आती है वहां से थोड़ा कवर किया। फिर उसके बाद आगे चल के जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही है सबसे मेरे लिए वेग हो गया था क्योंकि मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कभी पढ़ा नहीं था। तो मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो कवर किया, मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा मैंने जो है इस बुक को सजेस्ट किया था, सभी ने कहा कि JC जोहरी पढ़ लो, बट लेकिन टाइम कम था तो मैंने JC जोहरी नहीं पढ़ी और एकदम बहुत ही कम समय में मैंने जल्दी जल्दी में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सुब्रमण्यम से कवर किया। मैंने PYQ रट गया था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, मुझे PYQ सभी याद हो गए थे। और अरिहंत की एक बुक आती है UGCNET का पॉलिटिकल साइंस का गाइड, ठीक है, उसको हर हाल में आप कर लीजिएगा UGCNET पॉलिटिकल साइंस का गाइड का, ठीक है, अरिहंत का, ताकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का बेसिक कवर हो जाए। हाँ, और जहां से आपको टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड UGCNET के बहुत चैनल है अब चलने लगे हैं UGCNET का, टेलीग्राम पे भी फ्री सप्लाई करते हैं कभी मटेरियल कभी, मतलब ऐसे।
तो हमारे सीनियर ही थे कुछ, एक रनकावत करके एक सीनियर थे, उनका मटेरियल था वो, बहुत पहले उन्होंने कंपाइल किया था उसको, तो मैंने वहाँ से कवर किया। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन तो मैंने खुद से कवर कर रखा था, तो मैं यही बोलूँगा कि आप एडुसीकर को फॉलो कर लीजिए, उसका कंटेंट कंपाइल अच्छे से है, बहुत ही शॉर्ट में उन्होंने सारा कुछ, इंटरनेशनल रिलेशन से उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे जो जितने एडुसीकर ने कंपाइल कर रखे हैं। फिर आईआर का इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, वो थोड़ा है ना वो करंट अफेयर्स का पार्ट होता है कि आपके मोदी के क्या फॉरेन पॉलिसी है, क्या नरसिम्हा राव के, तो आप एक बार ये कर सकते हैं। अगर मतलब कहीं से कंटेंट आप नहीं देखना चाहते तो अरिहंत का यूजीसी नेट गाइड देख लीजिए, और अगर थोड़ा और चाह रहे हैं कि थोड़ा तो थोड़ा करंट अफेयर, जैसे अभी जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, कुछ ऐसे पॉलिसी आ जाते हैं जो मतलब अननोन रहते हैं, सटल डिप्लोमेसी, ये सब ना आप थोड़ा विकिपीडिया कभी कभी सर्च कीजिए और पीवाईक्यू देखते देखते आइडिया लगा लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आईआर इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया आपका। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो लक्ष्मीकांत का पार्ट है, फुल्ली सिलेबस पर फोकस होकर लक्ष्मीकांत को चेक कीजिए कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, उसको आप लक्ष्मीकांत से कवर कर लीजिए। फिर पॉलिटिकल प्रोसेस, उसमें भी लक्ष्मीकांत के कुछ पार्ट हैं, जो पार्ट बच जाते हैं वो फेमस कमेंटेटर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स होते हैं, सुदीप्ता कविराज करके, आशीष नंदी करके, और जैसे पार्था चटर्जी होते हैं, ये सब जो है ना इनके लिए मतलब एडुसीकर ने अच्छा एक कंटेंट निकाला था। बट लेकिन अगर जो है ना इनके आप पीवाईक्यू से रट लें कि जैसे ब्लू कार्ड कैपिटलिज्म किसने कहा, फिर कुछ कुछ ऐसे टर्म होते हैं इनके जो हम लोग के समय, अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया था मायरन विनर का इंडियन पैराडॉक्स करके, ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। उनके बुक कौन सा है, द इंटीमेट इनिमी, आशीष नंदी का है, ऐसे करके उनके बुक बुक एंड ऑथर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए ना, क्योंकि यूजीसी नेट ना वो थोड़ा ज़्यादा अब जो है कि वो ज़्यादा फैक्ट्स पे आ रही है पॉलिटिकल साइंस में, और सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वो ज़्यादा फैक्ट पे आ रही है। दो तीन साल से सरसन रीजन के क्वेश्चन कम आने लगे हैं, और ये थोड़ा एक तरह का ये हो जाएगा बिजनेस हो रहा है, मतलब जिनका डीप में नॉलेज है उनके लिए, ठीक है। लेकिन फर्स्ट थिंग है कि आपको एग्जाम निकालना सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है, तो आप इसके लिए एकदम फोकस्ड रहिए कि फैक्ट को भी अच्छे से कवर करें, हर एक फैक्ट को आप लिख के चाहे जैसे याद करना है करें, क्योंकि फैक्ट ही आपको बचाएगा जो 50 क्वेश्चन जो आउट आते हैं, जो वेग क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट ही आपको सेव करेगा, फैक्ट सेव करेगा। सब्जेक्टिव आपके नॉलेज से अच्छे से आप 50 निकाल सकते हैं। फिर मैंने बताया कि पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मार्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कोई कवर नहीं करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो, क्योंकि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है ना, ये मतलब जेएनयू के एंट्रेंस में भी नहीं आता है पॉलिटिकल साइंस में, तो ये ना ये पार्ट थोड़ा आप एडुसीकर से कवर कर लीजिए। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ना अरिहंत में दिया गया डिस्क्रिप्शन कि कैसे कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व हुआ था, सिलेबस वाइज आप फुली कवर कर लीजिए, सिलेबस को हमेशा फॉलो ही कीजिए, सिलेबस ही मतलब ऑल थिंग द क्वेश्चन कम इन द यूजीसी नेट इज फ्रॉम द सिलेबस, नॉट फ्रॉम एनी आउटसाइड। गवर्नेंस आपका सबसे जो है ना वो आउट सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको बेसिक करंट अफेयर देखना होगा, जितने पॉलिसी अभी इस गवर्नमेंट के अंदर अपडेट हुए हैं उसको देखना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना, ये सब आपको डेट याद रहने होंगे। तो अरिहंत से कवर कर लीजिए, यूजीसी नेट गाइड जो आती है अरिहंत की, और बाद बाकी उसके पीवाईक्यू जितने हैं, हमारे जो पीवाईक्यू है यूजीसी नेट के 2004 से 2021 तक टोटल पीवाईक्यू आप बना लीजिए और रट जाइए, 5 बार कम से कम पीवाईक्यू कवर कीजिए, आपका एग्जाम हर हाल में हो जाएगा। बाद बाकी एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सब कुछ पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट मेन इंपॉर्टेंट होता है। 150 क्वेश्चन करने आपको 3 घंटे में, तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर कीजिएगा। मैंने 1 महीने लगातार टेस्ट सीरीज दिया था, पेपर 1 का, पेपर 2 का। आप ग्रेड अप का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कॉस्टली उतना नहीं था, 500 के आसपास, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, एक आईडी पे 5 लोग यूज कर सकते थे, मैं अपने दोस्त के साथ ही यूज करता था। 3-4 मंथ का जो है ना, मैं ये एक स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा कि 3-4 मंथ आप प्रॉपरली क्या करना है। सुबह आप जब एक उठते हैं तो सबसे पहला चीज है ना कि आप एनालाइज कीजिए कि आप दिन भर आज क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट थिंग आपको पहले 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, तो आप पहला लिस्ट बना लीजिए कि ये सारा काम मुझे इतना टाइम अलॉटेड में करना है, और जो नहीं हो पा रहा है उसको लीव कीजिए, और कम से कम हर एक जो टॉपिक्स हैं उसको कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। आपको हर संडे अलॉट कीजिए टाइम रिविजन के लिए, और आप एज अ मेरा जो था रोज क्लास भी होता था, और मैं उस टाइम को छोड़ करके मैं फुल्ली डेडिकेटेड था कि मुझे नेट निकालना है। नेट तो खैर हमारे लिए ऐसा कुछ सीरियस नहीं था, क्योंकि नेट हमारे यहाँ सभी निकालते हैं, मैं ये ऐसा नहीं कुछ नया कुछ बता रहा हूँ, मेरे जेएनयू में नेट सभी के होते हैं। तो JRF जो हमारा हमेशा का फोकस था, हम
सुबह उठने के बाद 9 बजे हमारा क्लास 9 से 11, 11 से 1 करके 2 घंटे 3 घंटे का रोज दिन क्लास रहता था। उसके बाद ना मैं एकदम प्लानिंग शेड्यूल लिखता था कि इतना दिन आज ये करना है, आज पूरा टोटल ये कवर करना है, और मैं एक प्लान करके जो जो होते जाता था उसको टिक करता था, जो नहीं होता था मैं उसको छोड़ देता था और अगले दिन के दिन में उसको अपडेट करता था। डेट वाइज मैं लिखता था, टाइम अलॉट करता था और एकदम प्रॉपरली सबको स्टिक करता था, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था ना मैं उसको दीवार पे लिखता था प्रॉपरली। मैं एक अपना जो वो स्टिकी नोट्स आता है ना, तो स्टिकी नोट्स का मैंने दोनों साइड यूज करता था। मैं एक साइड उसके अपने साइड रहते थे, एक साइड से भी कॉल लगा के मैं उसको लिख के चिपका देता था स्टिकी नोट्स को। मैं ऐसे करके बहुत कुछ याद किया था, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है उसमें, याद करना फैक्ट, क्योंकि मेरे पास थे, मैं सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा था, लेकिन फैक्ट जो होते हैं ना वही आपके बचाएंगे जेआरएफ को। जेआरएफ थोड़ा सा और नेट और जेआरएफ में बस 5-6 क्वेश्चन का अंतर रहता है, और वही आपको मार्किंग करता है। आप हमेशा सिक्योर रहिए कि आप 105 और 106 क्वेश्चन से ऊपर ही रहे। मुझे याद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 110 से ऊपर क्वेश्चन सही हुए थे, और 110 क्वेश्चन से ऊपर सही हुए थे, क्योंकि 99.50 मेरा परसेंटाइल है, और सभी ने बोला कि हाँ तुम्हारा 110 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि जब फाइनल आंसर किया था मैंने मैच कराया था तो उसमें भी 109-110 ऐसे ही हो रहा था, एक दो मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, फिर रिजल्ट में 99.50 आएगा। मैं यही बोलूंगा कि हो सकता है कि इस दिसंबर वाला सर्कल हो जाए, आपके पास मुश्किल से 4 महीने हैं, पूरे फोकस हो जाइए और इस बार का जेआरएफ आप लोग भी कराइए। और मैं सभी जो जितने भी 2023 में अपियर होने वाले हैं सभी को मैं बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, थैंक यू। और डीकेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म सप्लाई किया ताकि मैं ये आपको स्ट्रेटजी और हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है पहुँचा सकूँ। थैंक यू।